राज्य में सरसों और चना की बुआई जोरों पर है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए बीज के तो पर्याप्त इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन उर्वरक की कमी किसानों को झेलनी पड़ रही है। इसमें सबसे ज्यादा कमी डीएपी खाद की देखने को मिल रही है। प्रदेश में रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है। 10 अक्टूबर से सरसों और चना की बुआई शुरू हो चुकी है। प्रदेश में करीब 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सरसों और 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में चना की बुआई की जाती है। इस बार दोनों ही फसलों के लिए कृषि विभाग ने बीजों की तो पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की, लेकिन खाद की कमी देखने को मिल रही है। सरसों की बुआई पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बहुतायत में की जाती है। सरसों की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में डीएपी और यूरिया होना जरूरी है। इसके लिए किसानों की मांग के अनुरूप खाद नहीं मिल पा रही। कृषि विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक डीएपी की कमी केंद्र सरकार द्वारा पर्याप्त सप्लाई नहीं देने की वजह से है। डीएपी की कमी को देखते हुए किसानों को सिंगल सुपर फॉस्फेट उपयोग करने की सलाह दी गई है। जिन जिलों में डीएपी की कमी है, वहां ब्लैक मार्केटिंग और व्यापारियों द्वारा स्टॉक किए जाने की प्रवृत्ति पर रोक के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। डीएपी की कितनी कमी है, इस पर नजर डालें तो राज्य सरकार ने सितंबर तक 4,50,000 मैट्रिक टन डीएपी मांगा। केंद्र से केवल 3,07,000 मीट्रिक टन डीएपी ही मिल सका। अक्टूबर में राज्य सरकार ने 1,50,000 मीट्रिक टन डीएपी मांगा। केंद्र सरकार ने 68,000 मीट्रिक टन डीएपी स्वीकृत किया। अभी तक 43,000 मीट्रिक टन डीएपी ही मिल सका है। अब भी स्वीकृत कोटे में से 25,000 मीट्रिक टन डीएपी मिलना बाकी है। रोजाना 7 से 8 हजार मीट्रिक टन एसएसपी की खपत हो रही है। 5 से 6 हजार मीट्रिक टन डीएपी और 9 से 10 हजार मीट्रिक टन यूरिया की खपत होती है। राज्य के अंदर इस समय रबी फसलों की बुआई प्रारंभ हो चुकी है। जैसा कि आपको जानकारी है, राज्य में करीब 30 लाख हेक्टर के अंदर सरसों की बुआई होती है और 20 लाख हेक्टर के अंदर चने की बुआई होती है। दोनों ही फसलों के लिए इस समय बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है। इनके लिए विशेषतः बीजों की राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। सरसों के अंदर 2,10,000 किसानों को निःशुल्क मिनी किट्स दिए गए हैं, 2-2 किलो के, जो कि 0.4 हेक्टर के अंदर बुआई हो सकती है। इसी प्रकार करीब 50,000 किसानों को यहाँ पर एक एक हेक्टर के प्रदर्शनों के आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पे अच्छी सरसों की पैदावार लेने की सभी तकनीकी पहलू उनको बताए जाएंगे और उनको आदान दिए जाएंगे अनुदान के ऊपर। डीएपी की कमी को देखते हुए कृषि विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसान सिंगल सुपर फॉस्फेट का उपयोग करें तो ये फसलों के लिए ज्यादा असरकारक साबित होगा। डीएपी के एक कट्टे के बजाय एसएसपी के 3 कट्टे और यूरिया के 1 कट्टे को मिलाकर अगर खेतों में उपयोग कर लिया जाए तो सभी उपयोगी तत्वों की आपूर्ति हो जाएगी। साथ ही सुपर फॉस्फेट में मौजूद तत्व सल्फर से सरसों में तेल की मात्रा भी बढ़ती है। सुपर फॉस्फेट और यूरिया को मिलाकर देने के बावजूद लागत में ये डीएपी से सस्ता पड़ता है। सुपर फॉस्फेट में 18% फॉस्फोरस और 11% सल्फर मौजूद है। डीएपी के 1 कट्टे में 23 किलो फॉस्फोरस और 9 किलो नाइट्रोजन होता है। 3 कट्टे एसएसपी और 1 कट्टा यूरिया मिलाकर प्रयोग करें तो 24 किलो फास्फोरस, 20 किलो नाइट्रोजन और 16 किलो सल्फर मिलेगा। डीएपी के 1 कट्टे की कीमत है 1,200 रुपये। एसएसपी और यूरिया मिलाकर 4 कट्टों की कीमत होगी 1,166 रुपये। अब बीज की उपलब्धता की बात करें तो 2,10,000 किसानों को 2-2 किलो सरसों के मिनी किट दिए गए। 2 किलो बीज से 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सरसों की बुआई संभव है। भरतपुर के 7,000 किसानों को शंकर किस्म के सरसों के मिनी किट दिए गए। शंकर बीज से उत्पादन बढ़ा तो अगले साल और वितरण बढ़ाएंगे। डीएपी की 1,200 रुपये की लागत होती है, जबकि 3 बैग एसएसपी और 1 बैग यूरिया की कुल कीमत 1,166 रुपये ही होती है। तो ये किसानों के लिए अधिक लाभदायक चीज है, तकनीकी दृष्टि से भी अधिक लाभदायक है और वित्तीय दृष्टि से भी लाभदायक है। डीएपी यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट का सही तरीके से वितरण करने के लिए कृषि विभाग ने गुण नियंत्रण अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान में कृषि विभाग के 425 निरीक्षक लगातार निरीक्षण में लगे हैं और व्यापारियों के पास सैंपलिंग भी ले रहे हैं। हाल ही में शिकायतों के आधार पर धौलपुर, भरतपुर और कोटा में कार्रवाई भी की गई है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और कृषि आयुक्त डॉक्टर ओम प्रकाश भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से काशीराम चौधरी की रिपोर्ट।